भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आप आशीष जी को भारी बहुमत वोट देकर जिताओ, उनके हाथों को मजबूत करो। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये भी मिलकर काम करेंगे, हम भी इनका साथ देंगे। और इस क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, आप लोग पढ़े लिखे समझदार सब बातों को जानते हो, बाकी लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में जो खिंचाव है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बिखराव चल रहा है वो सबने देख लिया। सब सत्ता के महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं, जनसेवा के लिए कोई नहीं आया। इसलिए 12 तारीख को वोट पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस तादाद में आप मौजूद हैं उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर जोश के साथ, क्योंकि पिछली बार जो जीत हुई थी मुझे लगा थोड़ी कम हुई, इस बार ऐसी जीत हो जैसे संजय जी ने कहा पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों को हमें लगेगा। मेरा यहाँ पर आना साकार हुआ और आप लोगों ने मेरे आवेदन को, मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, खासकर मेरे नौजवान दोस्तों का मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वादा करता हूँ सरकार बनने के बाद जब इनको आप दोबारा जिताकर भेजोगे फिर दोबारा आपके बीच में यहाँ पर आएंगे, बैठकर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने बहुत प्रेम और प्यार दिया, आपकी आंखों में मुझे जो स्नेह देखा है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, और आपके हर दुख और सुख में हम लोग शामिल रहेंगे इस बात का वादा करता हूँ। और प्रभुता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आपके बच्चे तरक्की करें, हमारा आपस का प्रेम प्यार भाईचारा हमेशा बना रहे और मिलकर हिमाचल विकास के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। LIC को बेच रहे, मतलब तेल कंपनियों को बेच रहे, बेच बेच के चंद लोगों के हाथ में सारा पैसा आ जाएगा। हमारी सोच दूसरी, हम चाहते हैं उद्योग हो, निवेश हो, सरकार पैसा कमाए और फिर जनता के बीच में पैसा जाए, आम आदमी के हाथ में पैसा आए, आप खर्च करोगे, रोजमर्रा की चीज खरीदोगे, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, ये सोच कांग्रेस पार्टी की। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने जो वादे किए आपके बीच में, चाहे 300 यूनिट बिजली का फ्री देने का वादा हो, चाहे 1,00,000 नौकरी देने का वादा हो, हम लोग काम कर दिखाएंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम को 5 साल बीजेपी ने लागू नहीं किया, हमारे जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी तरफ कोई सहानुभूति नहीं है, उनको मालूम है हम कुछ काम करें ना करें जब चुनाव का समय आएगा हम वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इनकी बातें करके लोगों को भ्रमित करेंगे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आशीष जी को आप दोबारा अपना आशीर्वाद दो और पारंपरिक की जो मांग करानी है, जो उन्होंने बात रखी, जो दत्तापन बात को रखा, जिले का निर्माण करने की बात को, मैं आपको अपना आश्वासन जरूर देना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से, जब भाई सरकार बनेगी तो आपके जिले की मांग को बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और जो बेस्ट कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन इस प्रदेश के विकास के लिए और संदेश देने के लिए साथियों, ये भाजपा के साथी सोचते हैं कि सारे देश की सारी वोट हमारी जेब में पड़ी है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हमें जवाबदेही हमारी है ही नहीं।